दोस्तों दुनिया भर की वायुसेना की मौजूदा ताकत को लेकर के वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट हर साल ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग रिपोर्ट जारी करता है। इस साल भी यह रिपोर्ट जारी हुई है और अच्छी बात यह है कि भारत इस रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। दोस्तों इससे भी अच्छी बात यह है कि भारत का पड़ोसी दुश्मन देश चीन इस रैंकिंग में भारत से भी पीछे है, यानी कि वह चौथे स्थान पर है। और वहीं इससे भी मज़ेदार और गजब की बात यह है कि भारत का सबसे पुराना दुश्मन देश पाकिस्तान इस रैंकिंग में टॉप 10 में भी शामिल नहीं हो सका है। आपको बता दें कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट हर साल दुनिया के सबसे ताकतवर, खतरनाक और शीर्ष वायुसेनाओं की लिस्ट जारी करता है। ये रैंकिंग रिपोर्ट केवल इस बात पर नहीं दी जाती कि किस देश के पास लड़ाकू हवाई जहाज़ों की संख्या कितनी है, बल्कि इस बात पर दी जाती है कि उस देश का एयरफोर्स कितना एडवांस है। इसके साथ ही साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट कैसा है, हमला करने की और बचाव करने की नीति पर क्या बदलाव हो रहे हैं और फ्यूचर के लिए किस तरह की तकनीक पर कार्य किया जा रहा है, इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। यानी आधुनिकता के साथ साथ हर जरूरी पहलुओं को जो देश अपना रहे हैं उनमें सबसे अच्छा काम करने वाले देशों को इस रैंकिंग में शामिल किया जाता है। इस रैंकिंग में अमेरिका की एयरफोर्स 242.9 TBR के साथ पहले नंबर पर है। रूस की एयरफोर्स 114.2 TBR के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं भारत की अगर बात की जाए तो भारत 69.4 TBR के साथ तीसरे नंबर पर और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स 63.8 TBR के साथ चौथे स्थान पर है। वहीं जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स 58.1 TBR के साथ पांचवें स्थान पर है, जबकि इजराइल की एयरफोर्स 58 TBR के साथ छठे नंबर पर है। फ्रांस की एयरफोर्स 56.3 TBR के साथ सातवें नंबर पर है, जबकि ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स 55.3 TBR के साथ आठवें नंबर पर है। साउथ कोरिया की एयरफोर्स 53.4 TBR के साथ नौवें स्थान पर है और वहीं इटली की एयरफोर्स जो कि दसवें स्थान पर है, इसका TBR 51.9 है। दोस्तों वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास 1,645 एयरक्राफ्ट हैं। वहीं चीन की बात की जाए तो चीन के पास 2,040 एयरक्राफ्ट हैं, जो कि भारत से 395 ज़्यादा हैं। लेकिन भारत के पास राफेल और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से और न्यू इनोवेशन के चलते भारत इस रैंकिंग में चीन को पछाड़ चुका है। वहीं भारत के पास 1,316 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो किसी भी समय उड़ान भरने में सक्षम हैं, 632 अटैक करने वाले लड़ाकू विमान हैं और 709 सपोर्ट सिस्टम के थ्रू हेल्प करने वाले जहाज हैं। वहीं 304 एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग सिस्टम में सपोर्ट के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा भारत में 689 नए एयरक्राफ्ट खरीदने एवं बनाने पर कार्य चल रहा है। भारत के पास 250 एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए और 7 एयरक्राफ्ट रिफ्यूल सिस्टम और 14 खास तरह के एयरक्राफ्ट विशेष कैंपेन के लिए हैं। यही नहीं, भारतीय वायुसेना के पास 438 हेलीकॉप्टर्स भी हैं। तो दोस्तों ये है भारतीय वायुसेना की ताकत जो इसे पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर लाती है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।